கட்டுப்படு. खिलानों? यस बॉस. उसका पता करो जिसने हमें 7 साल तक जेल की हवा खिलवाई. छोटे, नो प्रॉब्लम. 50 लाख इज नथिंग. वी विल किल देम ऑल एंड गेट होल ऑफ द मनी. ओके? हमारा एक आदमी उसके घर में मुलाजिम है. बहुत दिन हो गया उसे हराम की खाते हुए. उससे कहो हमें पल पल की खबर दे. बड़े, छोटे, कहां है वो 50 लाख? छोटे, ऐसी बातें अकेले में पूछते हैं. सॉरी सर, आपकी बीवी एक बेटे को जन्म देकर दुनिया से चली गई है, लेकिन बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में है. मुझे जर्मनी में ही इत्तला मिल गई थी और मैं सीधा एयरपोर्ट से अस्पताल गया था. सर, अमेरिका से मिस्टर जॉन की कॉल. हेलो. नहीं, फिलहाल मैं कहीं नहीं जाऊंगा. थैंक यू. मगर सर, आज रात आपकी अमेरिका की सीट कन्फर्म है. ये आपकी और फर्म की रेपुटेशन का सवाल है. ओके, तुम पारो से कहना वो मुन्ने का ख्याल रखे. ओके सर. तो एम्बुलेंस चुरा के फंस गया. आज तो गिर गई है गजक. क्यों तारा? तारा का सितारा गर्दिश में है मेरी जान. पुलिस मेरे पीछे ऐसे पड़ी है जैसे तवाइफ के पीछे तमाशबीन पड़ जाता है. ओ यार, पुलिस पकड़ती नहीं है, सिर्फ पीछा करती है. तुम बेफिक्र रहो यार, मेरी जान पे बनी हुई और तुझे मजाक सूझ रहा है. यार, तुम ये चोरी चकारी छोड़ क्यों नहीं देते? यानी तुम्हारा मतलब है कि मैं भूखा मर जाऊं? अरे यहां कौन चोरी नहीं करता? कोई गैस की चोरी करता है, कोई बिजली की चोरी करता है और कोई टैक्स की चोरी करता है. यहां तक के असेंबली से मेंबर भी चोरी हो जाते हैं. दोस्तों,
जिस दिन ये चोरियां बंद हो गई, हमारा मुल्क गैर मुल्कियों से कर्जे लेगा नहीं बल्कि उनको देगा। एक मिनट एक मिनट, ये बुटीक शॉप है, कोई सियासी जलसे का मैदान नहीं यार। वो, पुलिस, जाओ अपनी पोजीशन संभालो। अच्छा मेम बलिए, चल चलिए, तेरे घर मां बहन ने और फैसलाबाद गए ने। यहां कोई चोर तो नहीं आया? अब जो आ गए। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप, आपकी मौजूदगी में भला चोर कैसे आ सकता है? ठीक है, ख्याल रखना। ये तो बिल्कुल असली लगता है खिलौना। अबे क्या नकली अंधे हैं? ये आवाज कहां से आई? जी बिल्कुल असली की तरह है, स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। क्या कीमत है इसकी? अभी तो ये ताजा बनकर आया है, गीला है, बेशक हाथ लगा के देख लें। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। मुझे हर कीमत पर यही चाहिए। 10,000, 15,000, 20,000, 25 से कम नहीं लेना। 20,000 में तो मेरी फूफी बिकी थी। ये आवाज? अरे छोड़ें साहब आवाज को, आप दें 25,000 और ले जाएं। शिरा। यस बॉस। उठाओ इसे। चलो। मरवाए लानती हो, मरवा इता। मैंने उसको मैंने तो खड़ा किया था, ये बैठ कैसे गया? अबे मुजस्मा थक गया, बैठ गया। ये तूने किया? ये तूने किया? 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 क्यों आपस में लड़ रहे हो? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? सर, ये बुत कभी यहाँ कभी वहाँ। तो कभी यहाँ? ये बुत कभी यहाँ कभी वहाँ? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? चलो इसके कपड़े उतारो, चलो। मैंने अंदर कुछ नहीं पहना। कौन है ये आदमी? सर इसने ज्यादा पीस ने किया है। बकवास बंद करो। जाओ हथौड़ा छीन लाओ, इसके पेड़ में सुराख करके इसमें हिरन भरो। ओके। या अल्लाह इनको जेल में डालो। इसके पेड़ में सुराख करो। ए फोन। हेलो हेलो, कट गया। जल्दी करो, इसके गर्दन उड़ा दो। सुन कराओ किसका फोन है। हेलो। यस। हाँ ओके सर, शो तैयार है, आपका वेट हो रहा है। लैला का डांस मिस नहीं किया जा सकता, वो बिजली है बिजली, खुदा जाने हम पर कब गिरेगी खिलौनों। Yeah!
खूबसूरत खिलौनी है तू, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, फंटास्टिक। क्या डिक्शनरी के तमाम अल्फाज इस्तेमाल कर लेंगे? अरे तुम्हारी तारीफ के लिए तो डिक्शनरी भी ना काफी है। बस करें जैकी साहब, इतना भी ना बनाया करें। अरे हम तुम्हें क्या बनाएंगे, तुम्हें तो अल्लाह ने ऐसा बना दिया है कि जवाब नहीं। अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें आसमान का तारा बना दूंगा। कौन हो तुम खिलौने, क्यों मुंह उठाकर अंदर आ गए हो? अगर मुंह ना उठाता तो इस दरवाजे से टकरा जाता। मगर तुम हो कौन और क्यों आए हो? देखिए जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये कैमरा है। मैं एक फोटोग्राफर हूं, हसीनों की मेरा मतलब ये है कि मॉडल्स की तस्वीरें बनाता जी। पेशा तो खूब छांट कर इख्तियार किया है। तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। आज पहली दफा मैंने आपकी तस्वीरें खींची। हुक्म कीजिए कहां भिजवाऊं? ये सब चला किया है, तस्वीरें बाई पोस्ट भेज देना। लेकिन पता? ए मिस्टर, इसका नाम लिखना ही काफी है। ये स्टेज की मशहूर डांसर लैला है। ओके लैला। जानू दरवाजा खोल दो मेरी जान। क्यों देर गए घर आया हूं, सच नीचे करूंगा बहाना क्या। खोल दो मेरी जान, मैं माफी मांगता हूं मेरी जान। अब मैं जब भी जाऊंगा तुझे साथ लेके जाऊंगा जानू। आज तो मान गई है गजा। मन जा मन जा चंपू मन जा, ना ठकरा मेरा प्यार। जब अल्लाह ने उसन दे ही दिया है तो इतना मान अच्छा नहीं मेरी जान है। जब तुझसे वादा किया है मैंने, जब भी धंधे पे जाऊंगा मेरी जान तुझे साथ लेकर जाऊंगा, अब तो मान जा। नहीं नहीं मानेगा, तुझे तुझे तेरी उसकी कसम मान जा। की तिजोरी खुल गई। छोटे इसे फारिग करो। वैसे सर अब आप अपनी तिजोरी की चाबी संभाल के रखिएगा। ना तिजोरी अपनी है ना मान अपना है। वेरी गुड। क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? ये जुर्म है जुर्म। शट अप, जुर्म का बच्चा। मैं ताले जरूर खोलता हूं लेकिन चोरों और डाकुओं का साथ नहीं देता। यू शट अप। हमेशा के लिए खामोश होना चाहते हो? तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो। मैं लानत भेजता हूं चोरी के इस्तेमाल पर। याद रखो, अगर जबान खोलने की कोशिश की तो जिंदगी छीन लूंगा। लैला, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। क्या बात है,
लानत है ऐसे काम पर। अरे यार, इससे बेहतर है कि बंदा भूखा मर जाए। ये कोई तरीका यार? क्या बात क्या है, आखिर इतने गुस्से में क्यों? गुस्सा गुस्से की क्या बात है? क्या हुआ? मेरा काम है हाँ ताले खोलना, चाबियां बनाना, ठीक। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग मुझसे डाके डलवाएं, दूसरों की तिजोरियां खुलवाएं। डाके तिजोरियां खुलवाएं? आखिर बात क्या है? मैं अब ये काम नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, एक बात पूछूं? पूछो। बड़े होके क्या बनोगे? दूल्हा। यार ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरी जान पे बनी हुई है। अरे भाई इसमें परेशानी की क्या बात है, पढ़े लिखे आदमी हो, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। ये तस्वीर वाली कौन है? बस बस, जुमला हकूक महफूज। बैठने की जगह है? आप लेटने की बता दें। तको मत, घूर तो ऐसे रही हो जैसे मुझे कच्चा खा जाओगी। हमारे मजहब में कव्वे खाना हराम है। लोमड़ी कव्वा कैसे खा सकती है? ओह शट अप। मैं शक्ल से आपको कव्वा लगता हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो मम्मी। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? बहुत थक गई हूँ। किस काम से? वो अपनी फ्रेंड के लिए डायमंड की रिंग खरीदने गई थी। उसकी शादी हो रही है ना? अपनी शादी के बारे में क्या ख्याल है? ओफ़ मम्मी, आपको तो हर वक्त मेरी शादी की फिक्र पड़ी रहती है। देखो पिंकी, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। तुम्हारे डैडी की वसीयत के मुताबिक अगर तुमने शादी नहीं की तो ये सारी दौलत, ये जायदाद, ये होटल, सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। मगर मम्मी, मुझे आजादी पसंद है। मैं शादी करके मर्द की गुलामी नहीं करना चाहती। आजादी अच्छी बात है, लेकिन आजादी की कुछ हुदूद हैं। इन हुदूद से कदम बाहर निकालोगी तो आजादी आजादी नहीं, आवारगी बन जाएगी। मगर मम्मी, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। ये ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। मैंने तुम्हें बैठने के लिए तो नहीं कहा। वो मैं इंटरव्यू के लिए आया था। मैंने कब कहा तुम वलीमे पे आए हो? आंखों से बाल हटाओ। गुड बॉय, हैव अ सीट। थैंक यू। अब बताओ, इससे पहले किसी होटल में मुलाजमत की? जी नहीं। टाइपिंग जानते हो? जी नहीं। वेटर का काम जानते हो? जी नहीं। चपरासी का काम जानते हो? जी नहीं। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? मैं ये बताने आया था कि आप मेरे भरोसे पे मत रहिएगा। जी? जी। मैं तुम्हारे भरोसे पर होती तो 20 साल पहले शादी ना करती। ओह, इसका मतलब है मैं 20 साल लेट हो गया। ओ, चलता हूँ। सुनो। जी। इन 20 सालों में कुछ पढ़ा लिखा? जी बीए किया है। हाँ, चलेगा। जी तुम ऐसा करो, बराबर के कमरे में चलो। मैं जी मैनेजर से मिल लो, काम मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू मैडम। वो ये भी साफ करो। ये नहीं आपका वो, खुदा हाफिज। बावला। ये है खबरदार, जरूरत रिश्ता। वेरी गुड। 1 करोड़पति नौजवान खूबसूरत लड़की के लिए रिश्ता दरकार है। उम्मीदवार खुद आकर मिले। उम्मीदवार का कम से कम 20 साल तजुर्बा होना चाहिए। 20 साल तजुर्बा? रिटायर्ड अफसर को तरजीह दी जाएगी। टेंडर खुलने की आखिरी तारीख 16 अगस्त। लगता है कि सारे इश्तेहार मिक्स हो गए हैं। बड़ा रिश्ता कमाल है भाई, और तेरे खूबसूरत यार का काम हो गया मेरी जान। अच्छा, खूबसूरत नहीं मैं? और यार का काम तो बन गया, हाथ मिला। टैन दे, अब मैं करोड़पति होने वाला हूँ। औरत के जरिए आए।
मम्मी, ये जरूरत है रिश्ता का इश्तेहार आपने किससे पूछकर छपवाया है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कह दिया ना, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इन मर्दों पर एतमाद ही नहीं है। तुम्हें एतमाद करना पड़ेगा। माँ बाप, बहन भाई, शौहर बीवी जैसे मुकद्दस रिश्ते सिर्फ और सिर्फ एतमाद ही की वजह से कायम है। याद रखो पिंकी, अगर दुनिया से लफ्ज एतमाद उठ गया तो रिश्तों का शिराजा बिखर जाएगा। कोई बाप वसूख से ये नहीं कह सकेगा कि ये मेरी औलाद। क्या आप मेरी उस सहेली को भूल गई जिसको बर्बाद करने वाला एक मर्द ही था? किसी एक वाक्य से तुम ये साबित करना चाहती हो कि दुनिया का हर मर्द बुरा होता है तो ये तुम्हारी भूल। कोई इंसान गलतियों से मुबर्रा नहीं होता, उसे पहचानो। मगर इंसान की अजमत को तराजू में न तोलो, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। जाओ पिंकी, एतमाद करना सीखो। और हाँ, शाम को कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तैयार रहना। मगर मम्मी वो, ये मेरा हुक्म है। पहला उम्मीदवार, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। इसमें कौन सी नई बात है? जब बहनें जवान हो जाएं, तो भाई ही उनका ख्याल करते हैं। कद 6 फुट 2 इंच। आप आलमचना के खानदान से राब्ता करें। छोटे, आपकी बॉल हमारी लॉन में गुम हो गई है क्या? जी, मैं भी शादी का उम्मीदवार हूँ। अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, जाओ खेलो। खेलने का मौका तो दीजिए। मैं खाने बहुत अच्छे बनाता हूँ, बस एक दफा शादी का मौका तो दें। ऐसे खाने खिलाऊंगा, ऐसे खाने खिलाऊंगा कि सारी उम्र उंगलियां चाटती रह जाएंगी आप। तुम तो मेरी डाइटिंग के दुश्मन हो। इधर तो देखे जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। तू चोटियां कर लेते तो और भी अच्छा था। मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। मुझे शौहर चाहिए, तीसरी दुनिया नहीं। आहा, तो आप भी शादी के उम्मीदवार हैं? हाँ, आजाद उम्मीदवार, हलका नंबर 95। शक्ल देखिए अपनी, जैसे कोफ्ते में कीड़े पड़े हों और चले हैं शौहर बनने। शादी से शक्ल का क्या ताल्लुक? मेरा मतलब है शक्ल के आगे तो सेहरा आ जाना है। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं कुएं में छलांग मार के खुदकुशी ना कर लूं। कुएं में छलांग मार के खुदकुशी कर लेना, किसी गरीब के काम ना आना है। अच्छा, शौहर नहीं बनाती हो, ऐसा करो निगरान शौहर बना लो। ये निगरान शौहर क्या होता है? घबराने की बात नहीं है, उसके ज्यादा इख्तियारात नहीं होते। 90 दिन ट्राई कर लेना, अगर समझ में आए तो रख लेना, वरना तलाक दे देना। शट अप। आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम यहां भी आ गए? रात चांद ने मुझको जगाकर कहा, एक लड़की तुम्हारा पता ले गई। तालियां। वाह 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 वाह। क्यों नहीं, क्यों नहीं। सर से चादर, बदन से कबा ले गई, जिंदगी हम गरीबों से क्या ले गई। तालियां। कादियां। शेर दिया। वैसे तुम अपने आप को समझती क्या हो? कोई छोटा है, कोई लंबा, कोई गोरा है, कोई काला। आप यहां अपने लिए मंगेतर पसंद कर रही हैं या कुर्बानी के लिए बकरा? Shut up! भाइयों, इस लड़की के। हाँ, ठहरो एक मिनट। इसे क्या हुआ? अब चले। थैंक यू, थैंक यू। इस बार भी तालियां। भाइयों, इस लड़की ने दौलत का सहारा लेकर हम मर्दों की खूबसूरती का उड़ाया है मजाक। तालियां। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इससे पहले कि ये हमें रिजेक्ट करे, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। माय फुट। और हाँ, हम सब मिलकर एक मजदूर यूनियन बनाएंगे। मजदूर यूनियन नहीं, मंगेतर यूनियन बनाएंगे। मंगेतर यूनियन जिंदाबाद। हम मंगेतर यूनियन जिंदाबाद। ये लड़कियां अपनी खूबसूरती पर इसलिए इतराती हैं कि ये मेकअप और ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करती हैं। भाई साहब जरा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर इन्हें अपनी खूबसूरती पर इतना ही नाज है तो जाएं और गर्म पानी से मुंह धोकर आएं,
मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इससे बुरी शक्ल निकलेगी। मेकअप का इस्तेमाल बंद करो, फजूल खर्ची बंद करो, माँ बाप का पैसा जाया करना बंद करो, मेकअप का इस्तेमाल बंद करो, मेकअप का इस्तेमाल बंद करो, मेकअप का इस्तेमाल बंद करो, मेकअप। मोहतरमा इधर देखिए, इश्क हम भी करते हैं, अगर तुम मेकअप करती हो तो शेव हम भी करते हैं। हाँ, तालियां। चौकीदार, चौकीदार, इन सबको गेट से धक्के देकर बाहर निकाल दो। यार लड़की जो है ना बड़ी मगरूर है, तेरे बस की नहीं है दोस्त। तू एक काम कर, सुबह उठ के ना जरूरत रिश्ते का इश्तेहार पड़ा कर, आंखों को ठंडक पहुंचेगी। बात सुन, अब शादी करूंगा तो इंशाल्लाह इसी लड़की से करूंगा, और देखना एक दिन इसका गुरूर भी खाक में मिला दूंगा। तुझे अपना बनाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह, इश्क भाई इश्क, ओ ले जा तेरा ही माल। अच्छा भाई सोनिया, गले दे तवीत इक विच वज दे, गले दे
तत्वीत हिक विच वज दे मकड़ा दी पल्ली होवे एहो कुड़ी लैणी ए पिंडा मखमली होवे एहो कुड़ी लैणी ए मकड़ा दी पल्ली होवे पिंडा मखमली होवे कुड़ी लैणी चन वरगी ओ सजनो कुड़ी लैणी चन वरगी ओ सजनो कुड़ी लैणी चन वरगी एहो कुड़ी लैणी ए बी एहो कुड़ी लैणी ए ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਏ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਏ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਏ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਏ ਪਤਲੀ ਪਤੰਗ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਜਨਵਰ ਗੀ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਜਨਵਰ ਗੀ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਜਨਵਰ ਗੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ यार मैं तो कहीं और जाके अब ट्राई मारता हूं यार दोस्त हूं जिंदगी के इस सफर में शायद दोबारा कहीं मुलाकात हो जाए अपना तारुफ तो कराता जा दोस्त कह ही दिया है तो तारुफ भी देख ले हैं ये तो मेरा पर्स है ये काम अगर कोई छोटा आदमी करे तो चोरी कहलाती है और कोई बड़ा आदमी करे तो स्कैंडल कहलाता है मैं तो कहता हूं उस लड़की को जहन से निकाल दो मैंने तुम्हारे लिए एक फकीर नहीं देखी है नहीं यार मैं तेरे घर रिश्ता नहीं कर सकता अबे खुले आम बेइज्जत कर गया क्या खबर लाए हो खान मुल्क से बाहर है और उसकी बीवी बच्चे को जन्म देकर मर गई और बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में है यक न शुद्ध दो शुद्ध बच्चे को खत्म कर देंगे खान की वापसी पर देख लेंगे उसे करोड़ों की दौलत हमारी होगी खिलौनों I'm very upset. हॉस्पिटल में फायरिंग मेरे बच्चे को खत्म करने के लिए की है और वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे कौन है वो लोग वही मेरे चचाजात भाई हैं जिन्हें मैंने जेल भिजवाया था लेकिन आप पुलिस को सुनो पारो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है और मैं तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता ये दो चाबियां हैं इन्हें संभाल कर रखना गलत तरीके से तिजोरी खोलने से ये धमाके से उड़ जाएगी और तिजोरी में रखी हुई जायदाद की तफसील और वसीयत सब जाय हो जाएगी इन चाबियों के बगैर वो तिजोरी नहीं खुल सकती जिनके पास जायदाद की तफसील और वसीयत होगी वो ही मालिक होंगे हेलो मिस्टर जैकी ओह नो क्या बात है परेशान लग रहे हो किसका फोन था बच्चा अभी तक जिंदा है और खान भी वापस आ चुका है उसने अपनी जायदाद की तफसील और वसीयत एक तिजोरी में बंद कर दी है और उसकी चाबियां अपने सेक्रेटरी की बेटी और बच्चे के गले में डाल दी हैं जब तक ये दोनों चाबियां नहीं होंगी तिजोरी खुल नहीं सकेगी कोई बात नहीं छोटे खान और उसके बच्चे को कत्ल करके
उसकी दौलत हम अपने नाम कर सकते हैं, आखिर हम उसके रिश्तेदार हैं। बड़े, जब तक जायदाद की तफसील और वसीयत नहीं होगी, दौलत हमारे नाम नहीं हो सकती। और हाँ, अगर तिजोरी को गलत तरीके से खोलने की कोशिश की तो तिजोरी धमाके से उड़ जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। नो प्रॉब्लम छोटे, वी किल देम ऑल एंड गेट द टू कीज। बाबू, चकू, कहां मार के तुम लोग? पारो, तुम मुन्ने को लेकर निकल जाओ। ओके। जल्दी करो, जाओ। ओके, ओके। वहीं रुक जाओ खान। इनको किसने अंदर आने दिया? मैंने। तुम नमक हराम? देख ले खान, तेरे ही कुत्ते तेरी जान के दुश्मन हैं। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले कर दो। नहीं, वो मेरे बेटे की अमानत है। चाबियां तो हम ले ही लेंगे, पहले उन 7 सालों का हिसाब तो चुका लूं जो हमने जेल की काल कोठरी में गुजारे हैं। प्यारे भाई, चच्चा जाद ही सही। मत मरना, अभी ना मरना, ना मरना। मेरे इंतकाम की आग अभी बुझी नहीं, नहीं बुझी। बड़े छोटे, मर गया, ये तो मर गया। इतनी दौलत होते हुए भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है और हमें माला माल कर गया। छोटे, उनसे चाबियां छीन कर उनको भी खान के पास पहुंचा दो। जल्दी करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। अबे इतनी जल्दी कैसे हो गया? अबे कहां से लेके आया इसको? देख, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं मैं। एक दफा तुझे चिड़ियाघर से उठा के लाया था, आज तक पछता रहा हूं। अबे मेरी बात नहीं समझ रहा? तेरे खाने को पूरा पड़ता नहीं है, इंसान के बच्चे को कहां से पूरा करेंगे? अबे अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो इतनी मार मारेगी, इतनी मार मारेगी कि आखिर में मुझे कबूल ना पड़ेगा कि पुलिस वाले भाई, इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। देख जान, जहां से उठा के लाया ना वही छोड़ के आ जा। शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। पता नहीं क्या क्या हरकतें करता फिरता है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? हाँ। मुन्ना कौन? मुन्ना पे भरोसा रखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त तुम्हारा यूं अकेले रहना मुनासिब नहीं।
तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां भी तुम्हारी तरह मेरी एक बेटी है, पिंकी। पिंकी? मेरी बेटी। आज से समझ लो मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, तुम अब मेरे घर रहोगी मेरी बेटी बन के। छोटे, उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? बड़े, लगता है खान ने हमारे पहुंचने से पहले ही पारो और बच्चे को फरार करवा दिया था। मेरे आदमियों ने चप्पा चप्पा छान मारा है। अरे ये क्या है, आज अखबार वाला अखबार की जगह क्या छोड़ के चला गया? ये अल्लाह, ये किस किस्म का दौर आ गया है। आजकल मेज कुर्सी के यहाँ भी बच्चे पैदा होने लग पड़े। देख अच्छा, जल्दी चला तू, अरे भला को टाल तू, जल्दी कुर्सी की बच्ची, ये तुमने क्या हरकत की? अगर मुझे तुम्हारे लूज करेक्टर का पहले से पता होता, मैं तुम्हें खरीद के ही ना लाता। कल से तुम्हें ऊपर वाले कमरे में बांध रखूंगा। इसका क्या करूं? अरे कोई है? ए भाई, अरे भाई, ये किसका बच्चा है भाई? अरे कोई है? वो क्या, अबे सलमान, और सलमान थाने मारो। अबे क्या सुबह सुबह शोर मचाया हुआ, क्या बात है? और यार नीचे आ, ये देखिए क्या ये। अबे ये क्या बात है भाई, आए? हाँ नीचे आओ, जल्दी आओ सलमान। ये बच्चा कौन है, कहां से आया? इतने भोले मत बनो, ये तुम्हारे ही गुनाहों का पिटारा है। कसम खुदा की, पको मत, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह पाक की कसम से मेरा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं। झूठ मत बोलो, मुझसे छुप कर तुम ये गुल खिलाते रहो। ये गुलो बुलबुल की कहानी छोड़ो, मुझे तो सिर्फ ये तुम्हारा ही कारनामा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी संगदिल माँ ने हालात से मजबूर होकर अपने जिगर के टुकड़ों को हमारे पास फेंक दिया है। ओए ओए, कितना क्यूट बेबी है। हाँ चीचू बेबी चीचू सो रहा है। यार सलमान, हाँ अब हम इसका क्या करेंगे? इसका पुलिस में रिपोर्ट कराते, ताकि पुलिस सुबह में सबसे पहले हम दोनों को धर ले। वेरी गुड, लाने दे भाई तेरी सोच पे। अबे तो यार फिर एक काम करते हैं, इसको यतीम खाने में दाखिल करा देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यतीम खाने में बच्चे किस तरह पलते हैं। इससे बेहतर है कि हम इसका गला घोंटते। तू ठीक कहता है यार, किसी के गुनाह की सजा इस मासूम को क्यों मिले। देख, इससे पहले कि हमें कोई देखे, हम अंदर चलते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। आजा, आजा, आजा। ओ, 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 चुप कर जाओ। ओह, इससे मुझे देख लिया, लगता डर गया। ओ, एक बात कहूं, मुझे लगता है इसे गर्मी लग रही है। ये निकाल, चलो इसकी चड्डी उतार देते हैं। अबे चड्डी नहीं, नहीं कर, पकड़ ले। मुझे क्या पता, मैं कोई बच्चे पालता हूँ। अच्छा बैठ जाओ। लॉकेट, चाबी। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। ये तो तुम ही बता सकते हो कि काहे की चाबी है। यार ये रो क्यों रहा है? अबे अकल के अंधे, इसे भूख लग रही है, इसे दूध पिलाओ। है दूध? मैं इसे कहां से दूध पिलाऊं? आजकल की माए दूध नहीं पिलाती, अपने डब्बे का दूध जिंदाबाद। इसे पकड़, मैं दूध लेकर आता हूँ। सुनो, साथ में बोतल भी लेते आना।
आजकल जरा पुलिस का प्यारा है। अबे क्या बच्चे को टुन कराएगा? मैं दूध के बोतल की बात कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं फीडर। फीडर फीडर राजा जाओ कपड़े बदल के जाओ। ओ, ओ कपड़े बदल कर जाऊं कहां? दूध लेना है, बच्चा रो रहा है। फीडर दूध, दूध फीडर, दूध लेना है दूध। ओए इससे पूछता हूँ, मिस दूध दिखाइएगा। व्हाट तुम? तुम और सेल्स गर्ल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुम्हें सेल्स गर्ल दिखाई देती हूँ, चाहूँ तो खड़े खड़े ये सारा स्टोर खरीद सकती हूँ तुम्हारे समेत। आप स्टोर को लेकर क्या करेंगी? आप मुझे खरीद लें, मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मैं सेकंड हैंड चीजें नहीं खरीदती। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सेकंड हैंड हूँ? शट अप। वो असल में दो नहीं, क्या लेना है? दूल्हा। आज दुलारे। ये पसंद नहीं है तो फिर ये तक तोतियां ढम दरा दरा रंग। यार चुप हो जा यार, कोई गाना ही नहीं पसंद आ रहा तुझे। ये तुमने क्या अजाब पाल लिया? न रात को चैन है ना दिन को आराम। हम इस बच्चे को पालें या काम करें? तुम ऐसा करो, इसको किसी बेअवाद को दे दो। ये बच्चा अब यही रहेगा क्योंकि ये हमारा बच्चा है। मगर ये तो सोचो कि अगर ये नहीं रहेगा ना तो मैं भी घर छोड़ दूंगा। देख राजा, इस दुनिया में ना ही कोई तेरा है और ना ही मेरा। मुझे पता नहीं कि खून के रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मैं तो सिर्फ दोस्ती के मफहूम से आशना हूं। अगर आज के बाद दोबारा कभी घर छोड़ने की बात की ना तो तेरा दोस्त बेमौत मर जाएगा। तू ठीक कह रहा है दोस्त, ये बच्चा हमारा ही है और हम ही इसे पालेंगे। मगर एक बात बता, इसका नाम क्या रखें? ये हमें सनराइजिंग में मिला था। करेक्ट। इसका नाम सनी। ठीक है, गुड आइडिया। जब तक है ये चांद और तारे रहे सलामत अपना प्यार, जब तक है ये चांद और तारे रहे सलामत अपना प्यार। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, बेटा हमारा सबसे है प्यारा। जब तक है ये चांद और तारे रहे सलामत अपना प्यार। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, बेटा हमारा सबसे है प्यारा। जब तक है ये चांद और तारे रहे सलामत अपना प्यार। नाम है मेरा चम्मक चलो, कल सुन ले तू मेरी बल्लो। कटो जी पैसे कटो, छटो कंजूसी छटो, थमका पिशौरी मेरा नकरा लहरी मेरा। मैं हूँ तीसरी दुनिया की ठेकेदार।
तुम पे लानत पड़ेगी हजार, ओ तुम पे लानत पड़ेगी हजार। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। बेटा हमारा सबसे है प्यारा, जब तक है ये चांद और तारे, रहे सलामत अपना प्यार। हेलो भैया, अब संभालो इन्हें। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are। बेटा हमारा सबसे है प्यारा, जब तक है ये चांद और तारे, रहे सलामत अपना प्यार। बेटा आज एक नई जगह की सैर करते हैं, जहाँ खेलेंगे भी और कूदेंगे भी और पढ़ेंगे भी। A for apple, B for ball, C for cat, और वो देखो M for monkey भी तो है। हाँ, ये है भालू बंदर और ये है शेर हाथी, आज के इंसानों से ये है अच्छे साथी। ये है भालू बंदर और ये है शेर हाथी, आज के इंसानों से ये है अच्छे साथी। उसके दर पे मर जाते हैं जो करते हैं इनसे प्यार। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। बेटा हमारा सबसे है प्यारा, जब तक है ये चांद और तारे, रहे सलामत अपना प्यार। ये बिना पहनती इसकी क्या जरूरत थी मेरी जान, हैं? अबे ठहर जाएगी। आ गया मेरा कमाऊ भूत। अबे कहां से उड़ा लाया, कहां से लाया? मार होगा मार, नोट उड़ गए नोट, मजे आ गए मजे। कख नहीं है इसमें, मुझे और आपकी कमाई खिलाएगा बदतमीज। चल कर चल, मैं घरवाली लेके आता हूं। हेलो, पहचाना मुझे? मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना, अभी तो आपके सामने से गुजरा था। ये आपका पर्स। ये आपको कहां से मिला मिस्टर? हुसन को इतना बेपरवाह नहीं होना चाहिए, एक चोर लेके भाग रहा था। आपने उसको मारकर छीन लिया, अब आप मेरा नाम पूछेंगे और कहेंगे मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ पारो। तो तुम्हारा नाम पारो है? अरे मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है पारो। वो सुना नहीं तुमने, वो कॉपी क्या जिसका कवर ना हो, अरे वो लड़की क्या जिसका लवर ना हो। शरीर कल मिलोगी,
दोनों मिलेंगे, बल्कि गले मिलेंगे। नॉटी। फास्ट हो गई है राजा। राजा कम हियर। सॉरी सर। ये चेक ले जाओ, मैडम से साइन करवा के लाओ, मैंने कुछ लोगों को पेमेंट करनी है। ओके सर। ये एड्रेस मालूम है? नो सर। टेक दिस कार्ड, कम एज सून एज पॉसिबल। ओके सर, प्लीज टेक इट। शट अप। ओह सॉरी, गोइंग सर, गो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो मैं रिहर्सल कर रहा था मैडम। बेटे ये कोठी है, कोठा नहीं है। कैसे आना हुआ? ऐसे ही, वो दा दा दा, ये चेक साइन कराना था। अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, मैं आती हूँ। ये बीमारी तुम्हें कब से हुई? कुछ नहीं, वो बचपन में जूठा पानी पी लिया था माइकल जैक्सन का। अच्छा, खानदानी बीमारी है। जी ये कौन है मम्मी? ये हमारे होटल में काम करता है, बड़ा मेहनती लड़का है, पढ़ा लिखा भी है, नाम इसका राजा है। अच्छा, तो ये साहब बहादुर हैं? यू इडियट। क्या हुआ पिंकी? बहुत बदतमीज है आपका मुलाजिम, लड़कियों को देखकर आंखें मारता है। नहीं मैडम, वो आज सुबह से मेरी आंख फड़क रही थी, अभी बस स्टॉप पर तीन लड़कियों से पिट चुका हूँ। हाँ जी। ओके, नाउ यू कैन गो। योर ओबीडियंट सर्वेंट। ये अब के मुझे आंख नहीं मार गया? बदतमीज, दोनों तरफ चांस ले रहा है। टर्न। थोड़ा सा चेहरा। थोड़ा सा चेहरा ऊपर रखिएगा, हिलाएगा मत देखिए। हाँ बिल्कुल। बस जी, हाँ जी, रेडी। वाह रे खिलौने, हर रूप में अच्छी लगती हो। माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर। थैंक यू। वैसे इस ड्रेस में दो तीन तस्वीरें हो जाएं, क्या ख्याल है? क्यों नहीं, प्लीज आइए। ब्यूटीफुल एनफ, अब तुम जा सकते हो। एक्सक्यूज मी सलमान साहब। जी। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? अजी क्यों नहीं? नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम जाओ, मैं इन्हें ड्रॉप कर दूंगा। ओके। दाल में कुछ काला लगता है भाई। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला? मेरी और अपनी शादी का। देखिए मिस्टर जैकी, आपका और मेरा ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक है।
और यही शादी की बात, तो इसके लिए मेरा एक अपना आइडियल है। कौन है तुम्हारा आइडियल? अब कौन आ गया? तुम अब क्यों आए हो? एक बात पूछनी थी। पूछो, क्या पूछना है? आप बदमाश हैं? हाँ, मैं बदमाश हूं, बदमाश। तो भाग जाओ यहां से। सुनिए, क्या फैसला किया है खिलौने? फैसला मैं सुना चुकी हूं। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। जिन खिलौनों से मैं खेल ना सकूं, उनको तोड़ दिया करता हूं। डोंट टच मी। तू बदमाश है और मैं हूं बदमाश की मौत। लैला, चलो।
सूरज की तरह मैं आ पहुंचा। रुख बदले देखो फजाओं के, तुम नाचो संग हवाओं के। ये घर है एक मोहब्बत का, हम दोनों जिसमें रहते हैं सच कहते हैं, वो सच कहते हैं। ये घुंघरू तेरे पाँव के, हम नाचे संग हवाओं के। ये घुंघरू मेरे पाँव के, सच कहते हैं, वो सच कहते हैं। ये घुंघरू तेरे पाँव के, हम नाचे संग हवाओं के। शेर खान। यस बॉब। कितने बच्चे अगवा किए हैं? अभी तक सिर्फ 25 अगवा किए हैं। सिर्फ 25? कहीं तुम्हारी सलाहियतों को जंग तो नहीं लग गया? सर, जब से अखबारों में आया है करीबी मुल्क में ऊंटों की रेस में बच्चे इस्तेमाल होते हैं, लोगों ने अपने बच्चे स्कूल जाने से रोक दिए हैं। ओह नो, मुझे हर हाल में 100 बच्चे चाहिए। क्यों शोर मचा रहे हो? खामोश। इनको 2 दिन तक भूखा प्यासा रखो, ताकि ये खिलौने ना रो सके ना चिल्ला सके। ओके। मुझे देखकर घबरा क्यों गए हो? घबराए कौन है, इसमें घबराने कोई बात ही नहीं। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ? अंदर आने को नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहूंगा, लेकिन पता है क्या है कि ये घर तुम्हारे काबिल नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम लोग कहीं और चलते हैं। जब तुमको पसंद कर लिया तो घर भी पसंद आ ही जाएगा। क्यों नहीं, मर गए। अच्छा भला तो घर है, बिना वजह ही परेशान हो रहे हो। बैठिए। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? बच्चा है। बच्चा तो है मगर यहाँ क्या कर रहा है? मैं यही रहता हूँ आंटी। ये किसका बच्चा है? ये पड़ोसियों का बच्चा, हमारे साथ ये खेलने आ जाता है। तुम उसे कुछ छुपा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते ये बच्चा किसका है? मेरा नाम सनी है आंटी, और ये मेरे डैडी हैं। डैडी? लैला, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब बताने का क्या फायदा, झूठे दगाबाज, तुमने मुझे फरेब दिया है। ये बच्चा? अब कोई और झूठ बोल दो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। लैला, खुदा के वास्ते मेरी बात को समझ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, और हाँ, आज के बाद मुझसे कोई वास्ता ना रखना। हम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, मर चुके हैं। लैला, लैला। डैडी। क्या है? बताइए ना, ये कौन थी, क्यों नाराज हो गई? खामोश रहो। डैडी बताइए ना, ये कहीं मेरी मम्मी तो नहीं थी? डैडी बताइए ना। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। डैडी बताइए ना, बताइए डैडी, बताइए। कह जो दिया, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। बाय। मेरी बात तो सुनो लैला, प्लीज। क्या है? मुझ पर यकीन करो लैला, सनी को मैंने बाप बनकर पाला जरूर है, लेकिन वो मेरा खून नहीं। और अगर मेरा खून भी होता तो उस पर मुझे फख्र होता, शर्मिंदगी नहीं। फिर वो आसमान से टपक पड़ा होगा। झूठ बोलने में काफी माहिर हैं आप। ये झूठ नहीं, सच है। सनी को कोई मेरे दरवाजे पर रख गया था। अगर तुम्हारे पास सच्चाई को नापने का कोई पैमाना है तो गौर से देखो लैला, मेरे जिस्म का रुआ रुआ चिल्ला चिल्ला का है कि मैं सच्चा हूं, सच्चा हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ चाहा, मगर तुमने झूठ बोलकर मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। चले जाओ यहां से, चले जाओ।
ठीक है लैला, मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं बल्कि इस दुनिया से चला जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी सच्चाई के ऊपर यकीन आ जाए तो मेरी लाश के ऊपर दो आंसू जरूर बहा देना, ताकि मुझे सुकून आ जाए कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सलमान, वादा करो आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। वादा। अच्छा मैं चलता हूँ, सनी घर पे अकेला होगा। सुनो, हाँ, आज के बाद सनी सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है। थैंक यू। सलमान। हाँ सलमान, सनी का कुछ पता है? मैं जब आया था तो घर पे ही था, पड़ोस में होगा। नहीं, मैंने उसे हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या कह रहा? हाँ आओ देखते हैं। चलो। डैडी। क्या है? बताइए ना, ये कौन थी, क्यों नाराज हो गई? खामोश रहो। डैडी बताइए ना, ये कहीं मेरी मम्मी तो नहीं थी? डैडी बताइए ना। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। डैडी बताइए ना, बताइए डैडी, बताइए। कह जो दिया, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। क्या चंदा और क्या तारा, मैं नहीं किसी का प्यारा, क्या चंदा और क्या तारा, मैं नहीं किसी का प्यारा, फिरता हूँ मैं आवारा समंदर का किनारा, लहरों के संग संग चलूंगा मैं अकेला, लहरें हैं मुझको प्यारी, मैं लहरों का हूँ प्यारा, कोई धीरे धीरे मेरे पास आ, आकर मुझे अपनी गोद में सिला, ना मम्मी कौन करेगा प्यार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यार चंपू, सुबह से शाम हो गई है मेरी जान, लेकिन कोई दिहाड़ी नहीं लगी हम दोनों की। लगता है सुबह ही सुबह अपनी शक्ल आईने में देख ली है। आज मुझे लगता है कि अपनी वारदात का नागा है। चल घर चलते हैं, चल। अबे तो क्या करूं, क्या कर रहा है, क्या पागल हो गया? लो कह रहा है इंसान के बच्चे को बेचो, अबे इसका क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2000-4000। हाँ कोई कुत्ते का पिल्ला होता ना आला नस्ल का तो मेरी जान सही दिहाड़ी लगती। चल यार घर चलते। यार बहुत ही जिद कर रहा है, चल तेरी खातिर उठा लेता हूं, समझूंगा चाय पानी मिल गई। '49 में माँ अपने बच्चे को लोरी दे के सुलाती थी, आज 94 है, बाप बच्चे को सुला रहा है, अब माँ नाच रही है। चल। इतनी जगहों पे देख लिया, कहीं मिलता ही नहीं है। क्या जरूरत है बच्चे को डांटने की? हाँ भाई साहब, एक छोटा सा गोरा सा बच्चा तो नहीं देखा? नहीं नहीं, यहाँ कहीं खेल रहा हो? नहीं। मेहरबानी, तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए वो बच्चा है। अबे खा। मैं डैडी के बगैर नहीं खाऊंगा। डैडी के बगैर कुछ नहीं खाऊंगा, डैडी को क्या तलकर खाएगा? मुझे मेरे डैडी के पास छोड़ा। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास छोड़ ही हूँ, तुम भी क्या याद करोगे।
छोड़ा। अबे मैं इसको इसके बाप के पास नहीं ले जा रहा हूँ, इसको बेच देता हूँ, 8-10 दिन मजे से गुजर जाए। अभी नाराज हो रहा है खामोखा। सब जगह तलाश कर लिया, पता नहीं नाराज होके कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ खो गया है। मैंने उसे मारा क्यों, वो तो सिर्फ प्यार का भूखा था। मैंने उसे डांटा क्यों। या अल्लाह, या अल्लाह हमारे सनी को हमसे मिला दे, हमारे सनी को मिला दे। यार उसके बगैर अब हम कैसे जिएंगे। मर जाएंगे दोस्त अगर वो हमें नहीं मिला, मर जाएंगे। अंकल आप मुझे मेरे डैडी के पास ले जा रहे हैं ना। अबे हाँ ना, चल। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया, जो अपनी हैरत खेज तदबीरों में देखने वालों को नजर आता है और अपनी इज्जत के जलाल में सोचने वालों के अफकार से पोशीदा है। वो खुदा जिसे तारीकियां ढांप नहीं सकती, जो नूर से रोशनी नहीं मांगता, रात उसे पा नहीं सकती, दिन उस पर कब्जा नहीं कर सकता, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। ए लोगो, तुम पूरा साइज जिंदगी गुजारने के लिए गुनाह करते हो, जुल्म करते हो, लूट मार करते हो, गलत तरीके से पैसे कमाते हो, एक दूसरे का गला घोंटते हो, अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ते हो, गुनाहों से तुम्हारा दामन आलूदा हो चुका है। याद रखो, अल्लाह तुम्हें जल्द अजाब से दोचार करेगा। अब भी वक्त है हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। जिसने मौत के आने से पेशतर अपने गुनाहों की तौबा कर ली और अहकाम खुदाबंदी को पूरा किया, उसकी मौत भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आइए हम सब मिलकर अपने परवरदिगार के हुजूर दुआ करें। ए अल्लाह, हम तुझसे तेरी पनाह के तालिब हैं, हम तेरे ही मोहताज और तेरे ही तही दस्त हैं, हम तुझसे रहम के तालिब हैं, हमें गुमराही से बचा, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें नमाज पढ़ने और अपने अहकाम पूरा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, ये नाचीज बंदा तुझसे माफी का तलबगार है मेरे परवरदिगार। मैंने सारी जिंदगी गुनाह किए और इस बच्चे को चंद सिक्कों के एवज बेचना चाहता था। मैं भूल गया था, मैं भूल गया था कि तू ही राजिक है, तू ही नेमतें देने वाला है। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। दरवाजा खोलेगा।
खैर करना। दोस्त तुम और यहां? दोस्त एक ताला खुलवाना है। तुझे अपना दोस्त कहा है, तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने यह धंधा छोड़ दिया है, मैं ये फ्रॉड नहीं कर सकता। ये फ्रॉड नहीं है खुदा की कसम, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसको बचा लो खुदा के वास्ते। बच्चे की जिंदगी का सवाल? हाँ, वो एक तहखाने में बंद हो गया है, उसका ताला तिजोरी वाला है, न वहां रोशनी है न वहां हवा है, अगर ताला जल्दी नहीं खुला तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। दोस्त हाँ, मैं ये ताला जरूर खोलूंगा। थैंक यू मेरे दोस्त। राजा राजा जल्दी आओ, बच्चे इसमें बंद है। ये तो बेहोश हो गया है, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। सनी 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 मेरा बेटा, सनी सनी आंखें खोलो बेटा, सनी 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 बेटा, सनी 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 मेरा बेटा, सनी बेटा। ये तुम्हें कहां से मिला? ये साहिल समंदर पर सो रहा था। ये तुमने हम पर बड़ा एहसान किया दोस्त। एहसान? एहसान तो इस मासूम फरिश्ते ने मुझ पर किया है, मैं तो बुराइयों का कशकोल लिए गंदगी के उस ढेर में दफन हो गया था, जिसको साफ करने के लिए सात समंदरों का पानी भी न काफी था, लेकिन लेकिन इस बच्चे की चंद लम्हों की कुर्बत ने मुझे इंसान के अशरफुल मखलूकात होने का यकीन दिला दिया। अब मैं उस जहन्नुम से बाहर आ गया हूं, जहां से मुझ पर चलते तीरों की बारिश हो रही थी। जहां आंख खुल जाए वहीं से सवेरा समझो। आओ दोस्त, आओ चलें। मेरे अच्छे डैडी, मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ चला गया था बेटा? अपने डैडी को माफ कर दे मेरे बेटे, अपने डैडी को माफ कर दे। मैंने अपने डैडी को माफ कर दिया। मेरा बेटा डैडी। सलमान, ये मेरा दोस्त आ रहा है, जिसकी वजह से हमें हमारा बेटा सनी मिला। आपने बहुत बड़ा एहसान किया हम पर। सनी बहुत प्यारा बच्चा है, इसके मिलने से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सनी के प्यार में आप लोग मुझे भी शामिल कर लें? सिर्फ सनी ही नहीं, आज के बाद हम सब आपके प्यार में शामिल हैं। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूं, आता जाता रहूंगा। एक मिनट, दोस्त भी कहते हो और गैरों की तरह जा भी रहे। हाँ यार, वैसे भी तेरा कौन है?
आज के बाद आप हम तीनों के साथ रहेंगे। इतनी ढेर सारी खुशियां, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मेरे साथ एक दुमछल्ला भी है। हैं? दुमछल्ला? मुझे तो नजर नहीं आया। या नहीं? अच्छा बो, इधर आ। ये है मेरा दुमछल्ला। अच्छा। जिंदगी भर इसने मुझ पर एहसान किया है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना, इसके साथ बड़ी बेवफाई होगी। डैडी, चंपू को भी अपने साथ रख लेना। भाई, अब तो फैसला हो गया। आज के बाद ये जो हमारा चंपू है ना, ये हम सबके साथ रहेगा। ठीक है? ठीक है। और सनी को एक दोस्त मिल जाएगा। थैंक यू डैडी। हेलो, हाउ आर यू? दैट्स गुड। देख बे, आज के बाद मेहनत मजदूरी होगी, वो वाला काम नहीं होगा। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा। बूट पॉलिश करा लो। चलना वे चल मर। बूट पॉलिश करा लो। बूट पॉलिश करा लो। अल्लाह भला करे। हलाल की कमाई है भाई। बस पिंकी, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मगर मम्मी, आप समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ पिंकी, तुम नहीं समझती। लड़कियां कांच की चूड़ियों की तरह होती हैं, संभली रहे तो शान रहती है, टूट जाए तो कोई उनकी किर्चियां समेटकर अपने हाथ लहूलुहान नहीं करता। मेरी जिंदगी में कोई फैसला कर लो, वरना ये शान और शौकत, ये दौलत, ये इज्जत सब कुछ छिन जाएगा और तुम होश में आ जाओगी। लेकिन मम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती। माय गॉड, क्या हुआ आंटी? पारो, तुम इस लड़की को समझाने की कोशिश करो। पिंकी, लेकिन आंटी ठीक कहती है। नाराज ना हो तो एक बात कहूं, तुमसे मैं कभी नाराज नहीं हो सकती। मेरी मानो तो उसी को मंगेतर बना लो। किसको? जो आपके होटल में मुलाजिम है, अक्सर यहाँ आता रहता है। मगर वो तो बहुत मामूली आदमी है। तुमने कौन से सचमुच की शादी करनी है उससे? सिर्फ आंटी को दिखाने के लिए, ताकि आंटी का गुस्सा ठंडा हो जाए, वरना वो सारी दौलत ट्रस्ट में दे देंगी। वेटर, आपने मुझे याद किया? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं हैरान नहीं, परेशान हो रहा हूँ। परेशान? जी हाँ, अमीर जब भी किसी गरीब को बुलाता है, किसी ना किसी मतलब के लिए बुलाता है। आप हुक्म कीजिए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? तुम लोगों को दिखाने के लिए मेरे शौहर बन सकते हो? आप मेरे कुंवारेपन का सौदा करना चाहती हैं? नहीं, ये पकड़िएगा। अम्मा, क्या मुसीबत है? कहाँ चला गया पागल? मैं यहाँ हूँ। जल्दी जल्दी बताओ, वरना। वरना क्या? वरना मैं कोई और शोहर ढूंढ लूंगी। ये आपने फिर बेशर्मी वाली बात की, ये पकड़िएगा। अम्मा, अगर तुम मेंढक की तरह यूं ही पानी में कूदते रहे तो तुम्हारी मर्जी, मैं कोई और लड़का ढूंढ लूंगी। नहीं, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। बोर मत करो। हाँ,
शाना। ओके, तो फिर मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। शुक्र अल्लाह, मुझे जिंदगी में ये दिन देखना भी नसीब हुआ। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। जी। इस राज का मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। आप फिक्र ना करें, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं जितना मैं सूरत से नजर आता हूँ। तुम इससे ज्यादा बेवकूफ हो। यही तो तुम नहीं जानती अम्मा। गुड न्यूज फॉर यू, अब आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्या शादी के लिए तैयार हो गई हो? फौरन से पेशतर। अब मैं आपको अपने होने वाले शौहर से मिलवाती हूँ। रियली? शर्म मर्द का जेवर होता है। गुड आफ्टरनून मैडम। मुझे शर्म आ रही है। ये लड़का, ये तो हमारे होटल में वेटर है। वेटर, एक गिलास पानी लाओ। यस मैडम। वेटर है तो क्या हुआ मम्मी? हाँ, वेटर मालिक भी तो बन सकता है। हाँ? आज दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि कल आप देखिएगा, आप घर से बाहर होंगी, मैं अंदर। क्या? मेरा मतलब है कि मैं भी इतनी तेजी से तरक्की करूंगा। तुम्हें वेटर के अलावा कोई लड़का पसंद नहीं आया? किराए पर यह भी मिल जाए तो गनीमत समझो। क्या कहा? मेरा मतलब है कि पसंद पर किसी का इख्तियार नहीं होता। आपने सुना नहीं कि प्यार और कानून अंधा होता है, ब्लाइंड। पर मम्मी, आप ही ने तो मुझे पसंद का इख्तियार दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ एक मामूली वेटर और कहाँ तुम। पहले तो आप बड़ी तारीफें करती थी। ये इंशाल्लाह बाद में भी तारीफें ही करेंगी। हम आपको इतना बिजी कर देंगे कि आप छोटे 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 कुछ ज्यादा नहीं होगा। मैडम ये तो कुछ भी नहीं, बस आप एक चांस देकर देखें। हमने शादी करवानी है, पोल्ट्री फार्म नहीं खुलवाना। मेरा मतलब है कि मैडम आप मुझे गौर से देखें। दिल नहीं कर रहा। जी नहीं मैडम, आप मुझे गौर से देखें। आप देखें कि आपको पल्ला पलाया मेरा मतलब है कि पल्ला पलाया बेटा मिल रहा है। मैडम आप ये जुल्म मत करें, आप मैडम बनकर नहीं एक मां बनकर सोचे। आपकी अकलौती बेटी और उसके होने वाले शोर की जिंदगी का सवाल है मैडम। मैडम गुड़ी लाड़ी है मैडम, गुड़ी लाड़ी है, अल्लाह की कसम है। ठीक है भाई, अगर तुम दोनों को एतराज नहीं तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। इतराज नहीं? चले रॉन्ग रॉन्ग नहीं, चलो डार्लिंग। इसका मतलब है कि मेरी प्लानिंग कामयाब रही। अच्छा भाई सुनो, अब हम सबके लिए एक खुशखबरी। क्या खुशखबरी है भाई? हाय। हेलो, हाय, हाय। भाई खुशखबरी ये है कि कल हमारे बेटे सनी की सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज नहीं कल। अरे भाई कल भी कह देंगे हैप्पी बर्थडे कुकू। अच्छा सुनो, हम अपने बेटे की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, यार ये ठीक है। मैं अपनी मंगेतर को भी जरूर बुलाऊंगा। आए, क्या राजी हो गई है? 50%। मतलब ये कि उसने मुझे फिलहाल अपने नकली मंगेतर का ग्रेड दे दिया है। वाह, क्या शर्म कर यार। इसमें शर्म की क्या बात है, देखना एक दिन इंशाल्लाह उसे मैं अपनी असली बीवी जरूर बनाऊंगा। आमीन। थैंक यू। ओके, कल तुमसे बुला लेना। दोस्तों मेरी ख्वाहिश है कि मेरी हलाल की पहली कमाई इस मासूम की खुशी पर खर्च हो। वाह क्या जज्बात पाए हैं। ले ले। हाँ सब ठीक है, लेकिन केक मैं ही लाऊंगा। नहीं यार नहीं, केक मैं लाऊंगा यार। अच्छा हाँ। Yes. बेटे ने केक काटा। हाँ? और मैंने बाप का जेब काटा। जेब काटा? अरे ये तो मेरा भाई। यार ये काम तो मैं छोड़ चुका था, मैं तो ये देखना चाह रहा था कि ये काम भूल तो नहीं गया हूँ यार। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। राजा। यस मामा। तू
तो हमें बोला था यहाँ डांस वांस होगा। हाँ डांस होगा, क्यों नहीं होगा। व्हाट आर यू डूइंग? डांस? ओ डांस, यस। वो एक्सक्यूज मी, क्या होगा वो मैं मदर इन लॉ से कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने कहा था कि मैं एक डांसर लेकर आऊंगा, वो मैं भूल गया। तू हमेशा ऐसे ही करता है। कैसा करता हूँ? पहले भी मुझसे एडवांस लेके गया था, माल ही लेकर आया। माल? क्या बकवास कर रहा है? फिकर न कर, मैंने इंतजाम कर लिया है। कर लिया? ओ। हमारे मुल्क में इस पे पाबंदी है, समझ में आई? इतना गंदा है भाई। हो गया। लाला मुझे ये आंख चाहिए, मैं ये खाऊंगा। डैडी डांस का क्या बंदोबस्त किया है, मैं बोल रहा हूँ। माशाल्लाह क्या नवाबाना तबीयत पाई है बेटे ने, है ना? गए कहाँ थे? हाँ वो मैं। ख्वातीनों हजरात, आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ लाती हैं मिस्र की मशहूर रक्कासा मैडम बांदरी। न जल चारा राम पारा राम दारा राम। तुम ये बेहुदा हरकतें छोड़ नहीं सकते? ये आप रोब किस पर डाल रही हैं? आपने मुझे खरीदा नहीं,
सिर्फ किराए पर हासिल किया है, और किराए पर हासिल की हुई चीजों को लोग बहुत प्यार से रखते हैं। वैसे बाय द वे, आप हमारे बिना अकेली कहाँ जा रही हैं? अरे भाई, कौन किसके बगैर जा रहा है? मम्मी, मैं जरा पार्टी पे जा रही थी। अच्छा। और इनसे कह रही थी कि मेरे साथ चले। अच्छा, पर इन्हें कोई जरूरी काम है, ये जा ही नहीं रहे। मामी, बस यही रहे, मुझे आराम आ रहा है। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि पिंकी का अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, तुम इसके साथ जाओ। मामी, आज मूड नहीं है, लेकिन आपका हुक्म सर पैरों पर। तुम्हें कोई तकलीफ है? जी, वो मुझे लवेरिया हो रहा है। आराम से। ये मैंने किसी बावले लड़के का इंतखाब तो नहीं कर लिया? फ्री होने की जरूरत नहीं है, मुझसे दूर ही रहो। मेरे को बो आन दी है, जे बो दा ऐडा ही डर सी ते नाक च अगरबत्ती लेके आनी सी। एक तो अभी तक इस लड़की को नाक साफ करनी नहीं आई, एटिकेट्स होते हैं नाक साफ करने के। ऐसे हाय। हेलो जैकी। हेलो पिंकी, ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों? आइए। मुझसे क्या बात करनी थी? आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, इडियट, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैकी से झगड़ा हो गया था मम्मी। झगड़ा? मगर क्यों? ये आप इन्हीं से पूछिए। जैकी ने मेरे साथ बदतमीजी की, और राजा, तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि ऐसी जगहों पे मत जाया करो, मगर तुम अपनी मनमानी करती हो। अगर आज राजा ना होता तो न जाने क्या हो जाता। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत की। आई एम proud of you my son। राजा बैठो। जी नहीं, शुक्रिया। आप अपने लिए कोई और किराए का मंगेतर तलाश कर लें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं मिस पिंकी, मैंने आपकी बात सिर्फ इसलिए मानी थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मुझे आपकी दौलत या सोसाइटी में आपके ऊंचे नाम से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं गरीब जरूर हूं,
लेकिन बेगैरत नहीं। मगर मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुनना। जिस तरह की जिंदगी आप गुजारती हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम तो शराब के पीछे भागने वाली वो लड़की हो जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने, कैसे कैसे उम्मीदों के चिराग जलाए थे, मगर आज पता चला जो ख्वाब मैंने जिंदगी की दौड़ में सुच्चे मोतियों की तरह परोए थे वो बिखर चुके हैं। ठहरो राजा, तुम्हारी मोहब्बत की तपिश ने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल डाला। आज चोट तुम्हें लगी है और दर्द मुझे हो रहा है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। पिंकी। हाँ राजा, मैं दुआ करती हूं कि मेरा और तुम्हारा प्यार मोहब्बत की वो मिसाल बन जाए कि लोग लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, हीर राजा और रोमियो जूलियट को भूलकर मेरी और तुम्हारी मोहब्बत के गीत गाएं। पिंकी। राजा। लैला मजनू, रोमियो जूलियट लैला मजनू, शीरी परहार सस्सी पुन्नू। जाने दुनिया उनको लेकिन हो गई बात पुरानी, लिखेगी दुनिया किताबों में तेरी मेरी नई कहानी। रोमियो जूलियट लैला मजनू, शीरी बरहार सस्सी पुन्नू। जाने दुनिया उनको लेकिन हो गई बात पुरानी, लिखेगी दुनिया किताबों में तेरी मेरी नई कहानी। हो तेरी मेरी प्यार कहानी।
बेवफा जब पढ़ेगा जमाना। किताबें वफा जब पढ़ेगा जमाना, लिखा होगा पहला ही नाम हमारा। क्या से हमको याद करेंगे प्यार के दीवाने, क्या से हमको याद करेंगे प्यार के दीवाने। याद रहेगी दास्तां अपनी, प्यार तो है लापानी। लिखेगी दुनिया किताबों में तेरी मेरी नई कहानी, हो 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 तेरी मेरी प्यार कहानी। रोमियो जूलियट लैला मजनू, शीरी फरहाद सस्सी पुन्नू। जाने दुनिया को लेकिन हो गई बात पुरानी, लिखेगी दुनिया किताबों में तेरी मेरी नई कहानी। आज मौसम बड़ा बेईमान हो रहा है और मेरा दिल भी कुछ कुछ शैतान हो रहा है। पारो, आज मेरा दिल चाह रहा है। क्या पारो? आज मेरा दिल चाह रहा है। क्या पारो? आज मेरा दिल चाह रहा है। क्या झूला झूलने को? ओह माय गॉड पारो, मेरा मतलब है मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, घूमी घूमी करने चलते हैं। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, टीवी पर शारजा से क्रिकेट मैच आने वाला है। चलो, एक तो ये औरतों को क्रिकेट का बड़ा शौक है, बावर्ची खाने में आटा गूंद रही होंगी, अपने शौहर से पूछ रही होंगी, मैं क्या आमिर सोहेल ने किन्ने कीते ने? तो शौहर जवाब देता है, ओ आमिर सोहेल नु छड़, जेड़े तेरे खावंद ने कीते ने ओदा ध्यान रख। नाटी बॉय। अरे पगली, कौम की दुआओं से पाकिस्तान मैच जीत ही जाएगा। यस एग्जैक्टली। ये आंटी के घर में तारा किसको लाइन मार रहा है? टडडन। फिक्र ना करो, हालात सब सही हो जाएंगे, समझ में आई ना? हाँ। पारो, एनु लितर ते मारो। अपने बहन भाई को पिटवाएगा, शर्म नहीं आएगी तुझे? ये लॉकेट, ये आपके पास कैसे आया? ये राजा, ये लॉकेट का क्या मामला है? तारा, जब हमें सनी मिला था उस वक्त उसके गले में बिल्कुल ऐसा ही एक लॉकेट था जो अब भी हमारे पास है। वही खान का बेटा है, वही मेरा मुन्ना है, मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। राजा, इस वक्त सनी कहाँ है? टेनिस खेलने गया होगा। तुम एक काम करो, तुम पारो को लेकर वहां जाओ, मैं चंपू को लेकर घर पहुंचता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी करो, चलो जाओ। सलमान, 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 सनी के मां बाप का पता चल गया है। कब और कैसे? बताता हूं। ये मुन्ना है? यस। मुन्ने, मैंने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया, कैसे गुजारे हैं ये दिन मैं ही जानती हूं। मुन्ने, मेरे मुन्ने, मेरे मुन्ने। आप मेरी मम्मी है क्या? नहीं बेटे, मैं तुम्हारी नौकरानी हूं। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें मेरे हवाले किया, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सकी। मैं मुन्ना नहीं, मेरा नाम सनी है। हमने इसका नाम सनी रखा है। बहुत प्यारा नाम है। बहुत खुश नजर आ रहे हो, लगता है कोई तीर मार कर आए हो। हाँ, एक दूसरे वकील से मशवरा करने गया था, कल अखबार में इश्तेहार आ जाएगा कि खान का कोई वारिस है तो अदालत से रजू करें, वरना जायदाद के हम वारिस होंगे।
इस तरह वो लड़की और बच्चा भी सामने आ जाएंगे और फिर वो चाबियां हमारे कब्जे में। गुड, वेरी गुड। चलो भाई, शुक्र खुदा का, अब हमारी पिंकी और राजा की शादी तय होगी। यानी अब आपकी शादी होगी। यानी आपकी बिस्ती शुरू। अच्छा मम्मी, तो ये आपकी और राजा की मिली भगत थी। क्या करूं बेटा, इस तरह तो तुम हमारे काबू नहीं आती थी। मेरी पारो भी मेरे काबू नहीं आ रही है। यार तुझे काबू करना आता नहीं, देखना मैंने कैसा काबू किया है। मैडम एक्सक्यूज मी, मुझे भी पारो के नाम का एक परमिट जारी कर दे। तुम बकवास बंद करो, अब तुम शुरू करो। आंटी ये देखिए, आंटी वो सनी की जायदाद अपने नाम करा रहे हैं। खान साहब की रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हौसला रखो पारो, मैं अभी वकील से टेलीफोन पर बात करती हूँ। हेलो मिस्टर वकार जी, मैं आपसे एक केस के सिलसिले में बात करना चाह रही थी। मगर पारो, वसीयत के बगैर वो सनी की जायदाद अपने नाम कैसे करा सकते हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। क्या बना मम्मी? हमने अपने वकील से बात कर ली है, वो अभी अदालत जाकर सनी की तरफ से विरासतनामा दाखिल करवा देगा। कल पारो को और सनी को अदालत में पेश करना होगा। तारा तुम ऐसा करना, कल पारो और सनी को लेकर अदालत में चले जाना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बड़े, बच्चा और लड़की जिंदा है, कल वो अदालत में पेश होंगे। आखिर वो हमारे चक्कर में आ ही गए हैं, कल उनको हर हाल में पकड़ना है। सुनो। यस बॉस। अदालत जाने वाली हर सड़क पर अपने आदमी खड़े कर दो, कल बच्चा और लड़की हमारे कब्जे में होने चाहिए। सनी और पारो को कहां ले गए? कहां ले गए और कौन है वो लोग? वो एक बहुत बड़ा गैंग है जो सनी की जायदाद पे कब्जा करना चाहते। उनका एक अड्डा मछेरू की बस्ती में भी है। सनी और पारो को उन्होंने वही मन किया हुआ है। और हां, वो बच्चों को अगवा करके उनकी उनकी स्मगलिंग भी करते हैं। हाँ, आज रात वो बच्चों की स्मगलिंग करने वाले। ऐसा ना हो कि मकसद हासिल करने के बाद वो सनी को भी। नहीं, मैं उन सालों की जान ले लूंगा। पागल मत बनो, मैं जोश से नहीं होश से काम लेना है। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। एक मिनट, एक मेरी बात गौर से सुनो।
लेकिन जरा होशियारी से। चंपू तुम मेरे साथ चलो, ओके, गुड लक। खान के वारिस का पता चल गया, चल गया। चाल कामयाब रही। और तेरा भी पता चल गया। निकाल तिजोरी की चाबी। अरे निकाल। अरे तुम्हें इतनी दौलत दे देंगे कि सारी जिंदगी ऐश से गुजारेगी। शाबाश शाबाश, दे दे, बहुत दिन हो गए इन चाबियों को तरसते हुए। खान मुझे अपनी बहन समझता था, और बहनें तो भाइयों पर कुर्बान होती आई हैं। मैं गद्दार नहीं। खिलौने, तू वफादारी के गीत गा, मैं खान के बच्चे को ही खत्म कर देता हूँ। शीरा, आंटी मुझे बचा लो। ये खान का बच्चा नहीं है। कहाँ है वो बच्चा? खान ने एक चाबी तुझे भी दी थी, निकाल वो चाबी। चाबी मेरे गले में है। दूसरी चाबी भी मिल ही जाएगी। देखो खिलौने, शाम तक उस बच्चे का पता बता दे या दूसरी चाबी दे दे, वरना तेरा और इस बच्चे का बच जाएगा बैंड बाजा। बस। शेरा। यस बॉस। आज तमाम बच्चों को स्मगल करना है। जहाज पहुंच चुका है खिलौनों। ढोल बजे डम डम, पायल बजे छम छम, कुछ होने लगा दिल को, ना छेड़ गोरी जिंगो। जिंगोरी 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 रे, छेड़ गोरी ना छेड़ गोरी जिंगो, ना छेड़ गोरी। संभाल अपने दिल को, ना छेड़ गोरी जिंगो। जिंगोरी 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 जिंगोरी, ना छेड़ गोरी जिंगो, ना छेड़ गोरी, ना छेड़ गोरी जिंगो, ना छेड़ गोरी।
मरोबती क्या है, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका मिलना चाहिए। खिलौनों मेहमान नवाजी का मौका इंसानों को दिया जाता है, कुत्तों को नहीं। बांध दो इन सब को और बच्चों को ट्रेलर पर भेजने का इंतजाम करो। तुम कहां चले? डैडी मुझे बचा लो। डैडी नहीं छोड़ो, नहीं मेरे खजाने की चाबी। छोटे जिबड़े, इनसे तिजोरी की दूसरी चाबी हासिल करो। खिलानो, तिजोरी की दूसरी चाबी कहाँ है? वरना तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग करके समुद्र में फेंक दूंगा। आखिर मछलियों को भी तो जिंदा रहने का हक है। मगर तुझे कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। अबे वो बेगैरत इंसान, अगर मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो हमें खोल और फिर देख। स्टॉप, खत्म कर दो इस बच्चे को। अबे वो बैंड मास्टर, अगर मेरे बेटे सनी को कुछ हुआ तो मैं तेरे जिस्म से खून का कतरा कतरा निचोड़कर इस धरती की प्यास बुझा दूंगा। अपनी जान की परवाह करो। खैरियत चाहते हो तो तिजोरी की दूसरी चाबी मेरे हवाले कर दो, वरना इस खिलौने को डैडी बचाओ तोड़ दूंगा। छोड़ दो मेरे बुन्ने को, छोड़ दो। छोटे बेकार है, इस कीड़े को मार दो। शेरा। यस बॉस। ले चलो इसे। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो। डैडी सनी को छोड़ दो, छोड़ दो सनी को। चाबी मैं तुम्हें दे दूँ। हाँ, मेरी
खामोश। खिलौनों तुम तुम सौदा करने की पोजीशन में नहीं हो। सलमान चाबी इन कुत्तों के हवाले कर दो और सनी की जान बचा लो। चाबी कहां है? इस जेब में। आज मैं बहुत खुश हूं। दुनिया में हर जगह मेरी प्रॉपर्टी है। मैं करोड़ों का मालिक हूं, अकेला, बिल्कुल अकेला। छोटे किल देम ऑल, किल देम ऑल। ठीक कहा था बड़े ने, वारिस अकेला ही होना चाहिए। डैडी, डैडी, इस गोश्त के लोथड़े को भी इन बच्चों के साथ ही स्मगल कर दो। चलो तुम लोगों को भी अपने भाई के पास ही पहुंचा देता हूं, ताकि मेरे भाई की रूह अकेली ना रहे। चलो इससे पहले कि वो बच्चों को लेकर जहाज तक पहुंचे,
हमें उसे रास्ते में रोकना होगा। सलमान, सलमान वो देखो जहाज। और तेज चलो सलमान वो देखो। तेज चलो और तेज चलाओ। जल्दी चलाओ, तेज चलाओ, तेज और तेज। जल्दी करो जल्दी। हाँ तेज। में फिरौन हम भी देखे तुम भी देखो।
आपके बगैर नहीं रह सकता। भाई रहे तो हम भी नहीं सकते। हम नाचे संग के, ये मेरे पाके। सच कहते ਸੱਜਣਾ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਸੱਜਣਾ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ।